ये देखिए, ये कॉर्निश का सबसे खूबसूरत जगह है। तो अब यहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये वाला साइकिल का आधा घंटे का 20 रियाल है और 40 रियाल एक घंटे का है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज फिर से एक और ब्लॉग पे आप लोग का स्वागत है। आज आए हैं हम लोग जद्दा कॉर्निश, जहाँ पे जद्दा न्यू कॉर्निश बनाया इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कर सकते हो आप, तो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ आज इस वीडियो पे। तो देखते रहिए वीडियो। ये एक जगह है, यहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे भी बैठ के जो है ना टाइम स्पेंड करा जा सकता है, क्योंकि ये जगह भी बहुत अच्छा है, एकदम किनारे है समंदर के। तो इस जगह पे बैठ के जो है ना आराम कर सकते हो अगर आप आ रहे हो कॉर्निश। ये जगह बहुत ही खूबसूरत बनाया इन्होंने बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग आकर खेल सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं उस तरफ, तो उधर जाके आप लोग को मैं वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कबूतर है इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है कबूतर को देख। कुछ दाना नहीं है हमारे पास, नहीं तो कुछ दाना देते कबूतर को। अभी लगभग 4 बज रहा है शाम का, तो 5 बजने के बाद जैसे 5:30-6 बजता है, तो यहाँ पे आप देखोगे इतना रश हो जाएगा, इतना रश बहुत ज़्यादा। अच्छा ये देखिए, ये बिल्डिंग बहुत ही फेमस है जद्दा में, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड होता है और इस बिल्डिंग का नाम है जद्दा हेड क्वार्टर। इस बिल्डिंग का नीचे आप देख सकते हो हिल्टन होटल है, जो मैं जा रहा हूँ उस तरफ जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गया आज वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोग को दिखा सकूँ मैं अच्छा से। पानी पीने का है बाहर, थोड़ा दूर है दुकान, तो मैं सोच रहा हूँ आज इधर से ही पानी लेने के लिए। ये वाला मशीन मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, आज पहली बार यूज़ करने जा रहा हूँ, इसे मैं दूसरा वाला मशीन यूज़ किया। तो पानी पीने के 35 35, तो देखता हूँ दूर है। हो गया भाई अप्रूव, अब देखता हूँ बोतल आता है कि नहीं। ठीक है, उतना महंगा नहीं है कॉर्निश का, तो ठीक है। 2 रियल मान लो 40 रुपया इंडिया का। तो इस जगह तो हमने बहुत घूमा, बहुत देर झूला भी झूला। जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, घूमने लायक है। मतलब अगर आप जद्दा में रहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो जद्दा न्यू कॉर्निश, बहुत ही अच्छा है। अगर आप पहले कभी जद्दा कॉर्निश नहीं आया तो आप आ सकते हो, बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए, बहुत ही खूबसूरत जगह बनाया है इन्होंने घूमने लायक। ठीक है, तो हम और आगे जाके दिखाते हैं आप लोग को। चलिए, यहाँ पर आपको ऐसा छोटा छोटा शॉप मिल जाएगा हर एक एक दो मिनट के बाद बाद, यहाँ पे चलते रहोगे ना तो आपको छोटा छोटा शॉप मिल जाएगा हर एक जगह। तो यहाँ का मुझे हर एक चीज़ पसंद आया, सब कुछ अच्छा है। बस मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा ये लगा कि यहाँ का वॉशरूम जो है वो फ्री नहीं है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो 10 रियाल का एक कार्ड बनाना होता है, जो ये लोग बना के देते हैं आपको कार्ड 10 रियाल का। तो 10 रियाल का लेने के बाद आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हो उस कार्ड से वॉशरूम, अगर आपको वॉशरूम जाना है। बस यही एक कमी लगी मुझे, जो कि पब्लिक के लिए वॉशरूम होना चाहिए था इधर। ये देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज का भी सामान दे रखा है इन्होंने, अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो यहाँ पे आके कर सकते हो जद्दा कॉर्निश पे। यहाँ पे हर एक चीज़ है इस एक्सरसाइज के लिए, इन्होंने जगह बनाया है एक्सरसाइज करने के लिए, जगह बहुत ही अच्छा जगह बनाया है। और हम लोग आगे जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे ये लोगों ने कुर्सी लगाया है समंदर के एकदम किनारे में,
जो है बैठ के आप समंदर का खुला हवा का मजा ले सकते हो यहाँ पे बैठ के। ये देखिए, ये कॉर्निश का सबसे खूबसूरत जगह है। इन्होंने इंट्रेंस बनाया है ऐसा, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं जा रहा हूँ अभी अंदर समंदर के पास, जाके मैं आप लोग को सामने से दिखाता हूँ कैसा है उधर का नज़ारा। बहुत ही अच्छा लगता है उधर। ये जो जगह है, ये जगह कॉर्निश का सबसे खूबसूरत जगह में से एक जगह है। यहाँ पे आप बहुत सारे लोग आते हैं बैठने के लिए और मछली भी पकड़ने के लिए। इधर आने के बाद कॉर्निश का सबसे खूबसूरत व्यू आता है इधर से, बिल्डिंग का, समंदर का, रास्ते का। यहाँ पे बैठने का भी जगह बहुत अच्छा से बनाया है इन्होंने, तो आप बैठ के व्यू का मज़ा ले सकते हो, खुला समंदर का हवा ले सकते हो। ये जगह बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने ये जगह। ये देखिए, ये हम लोग इधर रेस्टोरेंट की टेरिस पे आया हूँ। तो अब यहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। सूरज डल रहा है उधर और सामने से खुला हवा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब ये देखिए एक मस्जिद, ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो मैं जा रहा हूँ मस्जिद के पास, जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मस्जिद, आप देख सकते हो। अभी रात हो गया है, जो मैं पहले उधर से दिखा रहा था आपको जूम करके मस्जिद, ये वही वाला मस्जिद है। अभी रात में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये मस्जिद, क्योंकि इन्होंने लाइट भी लगाया है ऊपर, तो ग्रीन लाइट की वजह से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी आ गए हैं हम लोग कॉर्निश का सबसे खूबसूरत जगह पे, जहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए जगह परफेक्ट है। जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए आपको फ़ोटो खींचना है या फिर फेसबुक के लिए फ़ोटो खींचना है, तो इस जगह पे आके फ़ोटो खींच सकते हो जिद्दा कॉर्निश पे। ये जिद्दा लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो उन्होंने बनाया ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह पे। पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा है, पूरा पीछे समंदर है अपना और लोगो है इधर, आप इधर जाकर फ़ोटो खींच सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं इधर फ़ोटो खींचने के लिए, और पास में बहुत ही अच्छा एक व्यू है बिल्डिंग का और रोड का, एकदम परफेक्ट जगह पे बनाया इन्होंने ये। तो अभी रात हो गए हैं, इसके लिए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये जगह देखने में। तो यहाँ पे आपको साइकिल भी मिल जाएगा राइडिंग के लिए, ये साइकिल सब है, प्राइस के हिसाब से है, अलग अलग साइकिल अलग अलग प्राइस है। ये साइकिल चलाने का रोड आप देख सकते हो, और यहाँ पर प्राइस है आप साइकिल के लिए, ये आप देख सकते हो 20 रियाल, ये बच्चों का है, ठीक है, ये 20 रियाल है जो हाफ एन आवर का, ये आधा घंटे के लिए है और ये एक घंटे का है। तो ये वाला साइकिल का आधा घंटे का 20 रियाल है और 40 रियाल एक घंटे का है, तो मतलब सबका प्राइस अलग अलग है। यहाँ पे बड़ा गाड़ी भी है, ये वाला एक घंटे का 190 रियाल है। तो हमें तो नहीं चलाना है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा है, जा रहा हो। तो अगर आप जिद्दा आ रहे हो, आपको साइकिल चलाने का शौक है, तो आप साइकिल चला सकते हो इधर आके इस प्राइस में, प्राइस आपको बता दिए। तो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे एंडिंग करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा था कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना।